दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप YouTube पे लाइव कैसे पढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको YouTube पे लाइव पढ़ाना है तो दोस्तों इसके लिए आप कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करें जिससे हम YouTube पे लाइव जा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप YouTube पे लाइव पढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो दोस्तों उसका मैं ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों ये जो हमारा तीसरा वीडियो है ये दोस्तों उसी सॉफ्टवेयर के बारे में होगा जिसका नाम है माई व्यू बोर्ड। तो दोस्तों अगर आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ाना है तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेंगे, इसे अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसे मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा जो माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन है वो ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन यहां पे ओपन हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ठीक है यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, यानी कि ये जो प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है आपको इस प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने के लिए कहेगा, तो दोस्तों आप अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ना होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे मिनिमाइज कर देना है। और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग ओपन करेंगे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप गूगल में टाइप करेंगे youtube.com, उसके बाद दोस्तों आप एंटर करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप यूट्यूब की वेबसाइट पर आ जाएंगे। YouTube ओपन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रही है आपको इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा गो लाइव, आपको गो लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप गो लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो है, तो दोस्तों हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे लाइव ना जा पाऊँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको तरीका बता देता हूं, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, स्पीड आपको अच्छा मिल रहा है, तो दोस्तों जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से दोस्तों आप YouTube पे बहुत ही अच्छे से लाइव पढ़ा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जब आप इस डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको यूट्यूब स्ट्रीम की मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रीम URL मिल जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन लाइव पढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। जब दोस्तों आप youtube.com की वेबसाइट पे जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पे अपने YouTube चैनल के अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक आइकन मिलता है, आपको उस आइकन पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों आपको गो लाइव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप जो है यूट्यूब लाइव स्टूडियो में पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एडिट पे क्लिक कर लेना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों इधर भी दो तीन ऑप्शन मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आप सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप माई व्यू बोर्ड सॉफ्टवेयर में आएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो विंडो आइकन आपको दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इतना होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रही है स्क्रीनशॉट वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे दोस्तों आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंडों में दोस्तों यहाँ के सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको माइक को परमिशन दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो आइकन मिल जाते हैं, एक स्क्रीन रिकॉर्ड करने का और दूसरा लाइव जाने का। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइव बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रीम की पूछेगा, यहाँ पे दोस्तों आपको स्ट्रीम की कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे स्ट्रीम URL कॉपी पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों अब हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग स्ट्रीम की को कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्ट्रीम की कॉपी करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। ओके,
उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से स्ट्रीम यूआरएल कॉपी करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रीम यूआरएल पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करके आप रेजुलेशन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप ओके कर देंगे। और इतना करते ही दोस्तों आपका जो स्क्रीन है वो यूट्यूब पे लाइव होने लग जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो आइकन आपको दिख रही है आप इसे साइड में कहीं पे रख देंगे कुछ इस तरह से। फिलहाल दोस्तों मैं इसे अनलिस्ट करके जो है लाइव कर रहा हूँ, बट दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे एडिट करके आपको यहाँ पे पब्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप यहाँ पे पब्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये जो है आपके ऑडियंस तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस गूगल क्रोम को मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेंगे कुछ इस तरह से। और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस आइकन को यहाँ पे साइड में रख लेंगे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। पढ़ाने के लिए दोस्तों आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है चीज़ें आने लग जाएगी। अच्छा, आप चाहें तो दोस्तों इस तरह से जो है चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों आप यहाँ पे जो है इस तरह से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये प्रेजेंटेशन आ गया। उसके बाद दोस्तों आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है अपने ग्राफिक पेन टैबलेट को अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप पेन सेलेक्ट करेंगे। और पेन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पे इस पेन के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पेन कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से यहाँ पे लिख लिख करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा जो पहला वर्ड है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब होता है ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पेन का थिकनेस बहुत कम है तो दोस्तों आप क्या करेंगे ये जो पेन आइकन दिख रहे हैं आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और फिर दोस्तों आप इसे क्लोज कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से यहाँ पे लिख लिख करके अपने स्टूडेंट को बहुत ही आराम से लाइव पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये आपने समझा दिया, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे माउस आइकन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप फिर जो है एंटर की प्रेस करेंगे। इस तरह से आप माउस से क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे ये वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों फिर से आप यहाँ से पेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है लिख लिख करके अपने स्टूडेंट को बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं कि सेकेंड वर्ड हमारा ये है, इसका मतलब ये होता है, इसे हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप इसे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ से माउस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर ये तीसरा वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप पेन सेलेक्ट करेंगे और फिर दोस्तों आप यहाँ से जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा वर्ड है और ये इसका मतलब हो गया और इसे हम लोग सेंटेंस में इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पे पेन आइकन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों इरेजर मिल जाएगा, आपको इरेजर के ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो बीच वाला इरेजर दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने लिखा है वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से माउस के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है दूसरा स्लाइड आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ाते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपका यूट्यूब पे लाइव होता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यूट्यूब पे जो है माई व्यू बोर्ड की मदद से लाइव पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ाने के लिए सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग और लाइव जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है गूगल क्रोम में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप youtube.com पे जाएंगे और youtube.com पे जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है गो लाइव पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब लाइव स्टूडियो में पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप वहां से
स्ट्रीम की और स्ट्रीम यूआरएल कॉपी करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप माय व्यू बोर्ड में उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप रेजुलेशन सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब पे लाइव हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहां से पेन सेलेक्ट कर लेना है, और पेन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह से लिख करके बड़े आराम से यूट्यूब पे लाइव पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम लोग ये सारी चीजें करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं पावर पॉइंट का पेन इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों पावर पॉइंट का जो पेन होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत बारीक होती है, जो कि स्टूडेंट को अच्छे से विजुअल नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है माई व्यू बोर्ड वाला पेन ही यूज करें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपको अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें पेन की थिकनेस मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों इसमें आप अपने हिसाब से जो है पेन की थिकनेस को घटा बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां से इरेज टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहां पे जो भी चीज़ें हमने लिखा है वो सारी चीज़ें इरेज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग माउस के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों हम लोग यहां पे इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। फिर दोस्तों हम लोग यहां से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पे एंटर की प्रेस करेंगे, तो यहां पे दोस्तों ये वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पे जो है इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख करके पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यूट्यूब पे जो है बहुत ही अच्छे से लाइव पढ़ा सकते हैं। आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप एडटेक मित्रा चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी टीचर के लिए मैं इस तरह का हेल्पफुल कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।